नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने तमिलनाडु के कुख्यात डकैत वीरप्पन की बेटी को बीजेपी युवा मोर्चा का पदाधिकारी बनाने और गुना में दलित की पिटाई मामले में हमला बोला है। उन्होंने कहा कि गुना में दलित की जिस तरह से पिटाई हुई थी और उसे अधमरा छोड़ा गया था, इसकी भी आवाज उठाई जाएगी। विधायक केपी सिंह के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मिलने पर पूर्व मंत्री ने कहा कि वे बीजेपी में शामिल नहीं होने जा रहे हैं। कल वे कांग्रेस पार्टी के विधायक दल की बैठक में भी शामिल हुए थे। साथ ही उन्होंने कहा कि नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री हैं, इसलिए उनसे सभी विधायक मिल सकते हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव को लेकर भी पूर्व मंत्री ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि उपचुनाव को लेकर जिस तरह के सर्वे आ रहे हैं, उससे विश्वास है कि अगली बैठक शपथ के बाद होगी। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। नरोत्तम मिश्रा हैं गृह मंत्री, जो इश्यूज होते हैं उसके संबंध में गृह मंत्री, तो कोई भी विधायक मिल सकता है। किसी भी मंत्री से कोई विधायक मिले, मैं समझता हूँ कि उसको क्यों आपत्ति होनी चाहिए। केपी सिंह लगातार नाराज चल रहे हैं, जब से आपकी सरकार बनी है उनको मंत्री। केपी सिंह जी की बात आप कह रहे हो, कल जो बैठक थी इम्पोर्टेंट, जो उसमें वो थे, और अभी मैं आवाज़ कहीं सुन रहा था कि कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कहा है कि अगली विधायक दल की बैठक जब हम लोग राजभवन जाएंगे तब होगी, और ये कॉन्फिडेंस नहीं है, ये जो विधायक थे उनका कॉन्फिडेंस। कमलनाथ जी का कॉन्फिडेंस तो अपनी जगह है, लेकिन विधायकों का कॉन्फिडेंस है। और आज जिस तरह के उनका ये कहना था कि जिस तरह के सर्वे आ रहे हैं, भाई वो तीन तीन एजेंसी सर्वे करा रहे हैं, क्या होगा? तो कोई भी जगह ऐसी नहीं आ रही है इन सर्वे की जो 5% से कम की बढ़त नहीं हुई, जबकि कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं आए। जैसे ही कैंडिडेट डिक्लेयर होगा तो 5% की बढ़त 10% बढ़ जाएगी। तो इसलिए आज क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, जिसने कोरोना काल में कांग्रेस की सरकार गिराई दल बदल और लंबे लेन देन के बाद, और उसके बाद भी इसी प्रक्रिया में लगी गई, इनको कोरोना का कोई ख्याल नहीं है। कोरोना से लड़ाई लड़ने के मामले में ये फेल हो गई, इनको तो फिर से लॉकडाउन करना पड़ा। पहले संडे की आप कह रहे हैं, सैटरडे संडे करेंगे, पूरे ग्वालियर और मुरैना सब जगह लॉकडाउन। तो ये कोरोना से लड़ाई लड़ नहीं पाए, 714 लोगों की जान चली गई मध्य प्रदेश के अंदर, 22 से ज़्यादा संक्रमित हो गए। कल भोपाल में 149 निकले, जो कि हाईएस्ट अभी तक का रिकॉर्ड। तो इस चीज़ में पूरी तरह से फेल हो गए हैं, और इस कोरोना काल की वजह से आज मध्य प्रदेश की जनता त्रस्त है। बिजली के बड़े बड़े बिल, डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ा दिए इनने, महंगाई बढ़ा दी, बेरोजगारी हो गई, किसान परेशान, युवा परेशान, हर कर्मचारी परेशान, हर वर्ग आज परेशान है। और आप जब जनता के बीच में जाएंगे तो इस सरकार के विरोध में खड़ी हुई जनता, और ये कांग्रेस तो लड़ेगी चुनाव, लेकिन जनता लड़ेगी 26 सीटों, जनता चुनाव लड़ेगी। तो आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।